अभी थोड़ा सा सर में उठा के जैसा लगता है अच्छा लग रहा है। बस बस हो गया, अब नीचे हाथ को नीचे मलो, नीचे वाली साइड। पर मैं धीरे धीरे विपना को यहाँ से सिखाता हूँ कैसे करके। दादी जी भी मेरी तारीफ करनी चाहिए। हाँ, इसमें भी कोई बोलने वाली चीज नहीं है। पापा से बचने के लिए बोल। पहले इस वाली गाय को खिलाओ, इतना ही लाओ पहले, ठीक है? इतना लेके हरे पत्तियां हैं यहाँ पे, हरा घास है और एक आध किलो है, तो वो गाय को खिला देंगे। दिन में बांधेंगे हम 1 बजे। मैं गाय बांधने के लिए बोला है, पता है, मैं गौशाला में पाउडर लगा दिया, क्रीम और पाउडर क्रीम पाउडर। जैसे ही सुबह सुबह उठो ना, सुबह उठते ही चाय और गर्म पानी मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है, नहीं है दोस्तों? तो वैसे ही आजकल हम भी इसी चीज का लुफ्त उठा रहे हैं। और हमारी ठकुराइन ने दरअसल आज सुबह सुबह मुंह फुला रखा है। गुस्सा तो ऐसे आ रहा होगा, काश कैमरा बंद होता तो मैं मुक्का मारती पीठ में इस तरीके से ना। और आज सुबह सुबह माँ और पापा दरअसल तैयार हो चुके हैं और पापा ने मेरी जैकेट डाल दी है, बोला कोई बात नहीं ठंड लग रही है अभी, बोला यही जैकेट बाहर है तो यही जैकेट दे। और माँ चाय कहाँ रखी है, देखो चाय गिरा दी। और माँ भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है आज बाजार जाने के लिए। ये पाउडर लगा के, भाई पाउडर लगा दिया, क्रीम और पाउडर, क्रीम पाउडर आ घसनी किलर। देख कितना पाउडर लगा, देखा पाउडर लगाना हुआ था मेरा बच्चा। तो माँ दरअसल, माँ और पापा जा रहे हैं दमदेवल, थोड़ा सा सामान सामान लेके आएंगे ना। और सुबह सुबह का टाइम है। हेलो वेलकम एंड नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंकित, मेरे गांव का नाम तिमलखाल, पावो पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। अभी हाथ मुँह नहीं धोया है, जस्ट उठे हैं और थोड़ा सा आपको लुक वैसा दिख रहा होगा, कल पूरे दिन भर तबीयत खराब चलने के बाद में आज थोड़ा सा अच्छा भी फील हो रहा है। तो थोड़ी देर में सूर्योदय यानी कि सूर्यदेव के दर्शन होने वाले हैं। और आज मैं और विपना हैं घर पे, कहाँ जाएंगे आज हैं? कहाँ जाना है आज? हम घर पे ही हैं क्या? अच्छा हम घर पे हैं। तुम्हें गाय बांधने के लिए बोला है, पता है, मैं गौशाला में। पता है मुझे, पता है कहाँ बनती है गाय? गाय कहाँ पे बांधते हैं? माँ को पूछ लो कि मुझे पता है कि नहीं पता है। बाहर बांधना पापा? अंदर अंदर। ये यही पता नहीं है कि बाहर बांधना या अंदर बांधना। हम बांधेंगे ना, हम शाम को या दिन में बांधेंगे हम 1 बजे। हाँ 10:30 बजे बांधेंगे, ठीक है? और फिर 4 बजे बाहर निकालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हो रहा पानी गर्म, जो कि सुबह सुबह पापा ने वैसे सुबह सुबह चढ़ा दिया था। अभी जस्ट विपना आग जलाने के लिए गई थी उसके नीचे। विपना मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो वीडियो अपलोड करके तो भाई घर पे आ चुके हैं और अपने यहाँ पर वीडियो देखी जा रही है। थोड़ा सा कम करोगे वॉल्यूम? तो दरअसल अभी के टाइम पर वीडियो अपलोड करके आया हूँ और माँ पापा तो जा रखे हैं दरअसल दमदेवल बाजार जा रखे हैं, और हमारे लिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट आ चुका है। बेड पे नहीं खाते वैसे। और तुमने खाया? मैंने खा लिया। क्या खाया? मैंने जो खाया ना खा लिया। कुरकुरे? कुरकुरे ही खाए ना? रोटी लाओ, जल्दी लाओ अपने लिए। जाओ रोटी लाओ। अरे खाओ ना चुपचाप से, पूरा ठंडा हो गया खाना। तुम रोटी लाओ तभी खाऊंगा मैं। कोई फायदा है मैं इसी से खा लूं? नहीं, इससे नहीं खाना, दूसरे उससे लाओ। खाऊंगी ही नहीं। क्यों खाऊंगा भाई मैं अपने बदले का? क्यों खिलाऊंगा? नहीं खिला रहा मैं अपने बदले का। जाओ खाना लाओ नीचे से अपने लिए जल्दी। अरे खिलाता हूँ मैं, खिलाता हूँ। नहीं खाना। तो इसी से खिलाते हैं। ये देखो भाई लव मैरिज करने के वो रोटियां, देखो क्या जली जली है। जली नहीं है, तीसरी बार गर्म करके लाई हूँ मैं, थक गई। तीसरी बार खाना भी ठंडा होगा। दरअसल ये रोटियां मेरी बनाई हुई तो नहीं है? नहीं जी, सही बताऊँ तो रोटियां अच्छी बना रखी थी। हो जाता है यार, 3 बार अगर गर्म हो जाए, एक बार पापा को ही खिलाया अलग से, एक बार मम्मी को ही खिलाया अलग से, और एक बार मेरे लिए, फिर से खाना गर्म हो गया तो हो ही जाता है, जल जाती है चीज़ें ना। चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी खाना बहुत ही प्यारा बनाती है, रोटियाँ अभी के टाइम पर थोड़ा बहुत जली जाती है यार, ओबियसली बात है। और अपनी लड्डू भी आ गई। लड्डू, अरे लड्डू इधर आ, चल आजा नाश्ता कर। तो आज माँ पापा नहीं है ना, तो आज सारा काम धाम जो है वो विपना को देखना पड़ रहा है, यानी कि अभी गौशाला जाने वाली है गाय को बांधने के लिए। और देखते हैं गौशाला में आज ना गाय को बांध पाती है या फिर नहीं। बांधोगी? मम्मी ने पापा ने बोला है आपका काम है, वो विपना से नहीं करवाना, मतलब मेरे से नहीं करवाना, वो सारा काम आपको दिया है, खाना बनाने की ड्यूटी दी है। अच्छा देखते हैं आज गाय बंधवाते हैं, देखते हैं बांध पाती है कि नहीं बांध पाती है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपना ब्रेकफास्ट हुआ था और फिर से मेरी तबीयत वैसे ही दिन के टाइम पर वैसे ही लगना शुरू हो गया। इतना मुझे कल की तरह फील हो रहा है।
आज के दिन पर ये है ना कि माँ पापा तो दरअसल बाजार जा रखे हैं, मैं और विपना ही है घर पे, तो आज गौशाला का काम हमें भी करना है। तो विपना ने रख लिया है सर पे वो पानी का टोकरी, पूरी नहीं भरी है, थोड़ी सी है भाई, 1-2 लीटर है बस उसमें, ठीक है। पानी नहीं भरा, ये खाना है ना, खाना देना। हाँ अच्छा, खाना बचा हुआ है ना थोड़ा सा, मतलब 1-2 किलो है, तो गाय को खिला देंगे। और यहाँ पर भाभी और अमित भाई की तैयारी हो रही है घूमने के लिए जाने की, तो बोला खुलगाड़ लेके जा रहा है घुमाने के लिए। अरे भाई तगड़ा गांव है वो, एकदम टूरिस्ट गांव है, टूरिस्ट टूरिस्ट ना। सुनो पता एक्चुअल में क्या है, तुम्हें वहां पे रास्ते पे उस पे ना रियल में मतलब बाघ भी देख घूमते हुए मिल जाएंगे, रियल चीज। अभी मैं अभी की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ यकीन नहीं आ रहा तो जाके देख लो भाई, तुम अगर रास्ते पे जाओगे ना सारे रास्ते में तुम्हें बाघ के टेरिटरी सिंबल मिलेंगे। कल शाम को बाघ की आवाज आ रही थी, बाघ डर रहा था ना, डंडा लेके आ रहे, वही तो। अरे भाई डराओ मत, मैं डरने वाला आदमी हूं, मैं से हूं। और दादी के वो देखो बैंगन चले गए। ओ दादी, ओ दादी तुम्हारा बैंगन खाना तैयारी, ठीक है वही तो आते हम तब, तो शाम को बनाएंगे ना, क्या शाम को नहीं, अरे तेरे दिमाग खराब हो गया, जो एक गांव में जाने नहीं जा, मन जा शाम को, हम कोई बात नहीं, चरगाड़ से आगे ऊपर तक चले जाएंगे पैदल, चरगाड़ उससे वो आगे भी देख लेंगे पैदल, चल ठीक है। अभी यहीं पे रुक जाओ, बैठ जाओ, अभी ऐसे डांडा घुमा के लाता हूं। अबे डांडा क्या बंदा है ये यार, कट। और हम चलते हैं थोड़ा सा गौशाला में, गौशाला से गाय को खिलाते हुए आते हैं। कैसा लग रहा है विपना अभी, थोड़ा सा सर में उठा के, अच्छा लग रहा है। आज पहला दिन है जब इतना पूरा घर का काम धाम खुद से ही करेगी, वैसे माँ पापा ने पूरा काम कर ही दिया है ना दादी, नहीं और देखो खाली है भाई, वो उसमें कुछ नहीं है वही तो। तो ये सब चीजें चलती रहेगी, बढ़िया है। और यहाँ दादी भी लगी हैं, दोनों दादियाँ लगी है भाई करेले के पत्ते तोड़ने पे। किले अभी करेला वाला है परी, अच्छा के बुतना है का, के बुतना का, चलो ठीक है ठीक है, बढ़िया। बूतो बूतो कह को, हाँ खा लो छे लाओ दाता। तो अभी ऐसे करते हैं, हरे पत्तियां हैं यहाँ पे, हरा घास है, और ये गाय के काम आ जाएगा। वैसे भी माँ आज मार्केट जा रखी है ना, तो क्यों ना लेकर जाया जाए। दादाजी जरा मेरे को भी निकाल दिया, हाँ मुझे गौड़ बांध के आना काका ना, अब मैं तुम्हारे हाथ तक दी गौड़ा थे, अब तुम्हारे हाथ का चाहिए गाय के लिए। तो हाँ तो ये हरा घास है, दम दौड़ भी जाची, हरा घास लेते हुए चलते हैं। ओ तो ज़्यादा तो मतलब जितना भी है बढ़िया है, और अब हमारी गाय हरा घास खाएगी, कुर 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 कुर। वो जो डिब्बे है ना ये खाली चा, तो जब पानी डब्बा भर के लिया जा, ये ताल नल कम बटन, ये कम्बटे ये रास्ता बटे ताल जाए, और कम्बटे भर के लिया, मैं गौड़ा से बंदो भीतर, ठीक है जा। एक और यो भी दगड़ी लाना दुई, ठीक छे केस हुआ, अच्छा जल्दी। और यहाँ पर हमारी गाय है, छोटा बकरा है, छोटी गाय है, एक और छोटी गाय है, एक उधर भी गाय है, दरअसल वो गाय है और 2 बच्चे हैं दरअसल ये ना, तो एक पिछले साल का और वो पिछले साल का, तो 2 साल का हो गया, वो 1 साल का भी। तो इनको बांधना शुरू करता हूँ मैं फटाफट भाई, बुआरी तो वही फेल हो गई गाय बांधने में, तो सारे का सारा मुझे ही बांधना पड़ा, और इससे नल भी बंद नहीं हुआ। एक हमारे यहाँ पर पानी दरअसल ना बहुत तेज आता है, तो जिसकी वजह से नल बंद करना बहुत जोर लगाना पड़ता, मतलब ना उसकी वजह से बंद हो नहीं पाता ठीक से, और भीग गई ना पूरी की पूरी है ना। तुम पता है यहाँ का पानी जब चढ़ता है ना, तो आदमी धीरे धीरे काला होता है। थोड़ा बहुत यहाँ पर घास इकट्ठा करिए, घास भी लेके आए विपना, इसे पता कहाँ रखना है, इसे पकड़ो उठाओ तो जरा, सारा थोड़ी ना उठाऊंगी, थोड़ा थोड़ा में ला रखा है। हाँ तो मैं समझ गया, उठाओ थोड़ा सा उठाओ भाई, काम सिखाना पड़ता है भाई, थोड़ा ठीक से उठाओ, जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ थोड़ा, काम सीखना है यार, काम हर चीज आना चाहिए, करने के लिए मैं भी कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें भी तो आना चाहिए कुछ चीजें। हाँ इतना ही लाओ पहले, ठीक है इतना लेके आओ। और ये वाला कमरा है ना जो, इस वाले कमरे में घास स्टोर होता है, ठीक है
यहाँ रखो, एक जगह में रखो इकट्ठा करके अलग से। हाँ ठीक है, सारा का सारा घास यहाँ रखना है सर बचा के। ये हमारा दरअसल पुराना वाला घर है, ये नीचे गायों के लिए है और ऊपर की साइड में 6 कमरे और है ना, ऊपर की साइड में तो 6 कमरों में हम लोग रहा करते थे दरअसल पहले। और अब देखो, कई लोग कह रहे थे कि हाथों की मेहंदी नहीं सूखी है, काम करवा दिया अभी से। सही में और क्या, और क्या हट, काम करना चाहिए। बचा कुचा मैं लेके चलता हूँ जल्दी। और मुझे ये था कि इसमें जब खाना आया था ना, दरअसल इसने हाथ से मसला है वो पूरा का पूरा। अब देखते हैं, वो पल्ली साइड को उधर जाओ, पहले इस वाली गाय को खिलाओ। और वो कहाँ है, क्या बोलते हैं, डंडी चाहिए एक, पहले इसको खिलाना है। और नजदीक करो उसके, कुछ नहीं मारती, शरीफ गाय है वो। वो मारती है, वो मारती नहीं है वो। बस देखा, पानी का वो ला दे। इसको चावल नहीं खिलाने, इसको पानी पानी पिलाना है। ठीक है, खुशबू कैसे आ रही है यहाँ पे, खुशबू खुशबू गोबर गोबर की ना। मेरा तो दरअसल नाक में बंद हो रखा है, मुझे कुछ आ ही नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छा है, बढ़िया। जुखाम से नाक बंद हो रखा है। हाँ मुझे भी जुखाम लगी है दरअसल, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही है। पर मैं धीरे धीरे बिपना को यहाँ से सिखाता हूँ कैसे करके छानी के काम होते हैं। मतलब इसमें कोई, देखो यार कई लोग बोल रहे थे कि मेहंदी नहीं सूखी है, मेहंदी भी नहीं आती है, तुमने काम करवा दिया। अपना घर है नहीं है तो अपने घर में कैसा शर्म, अपने घर में कोई वो करता है ना, मारे वो पीछे नहीं मारती हो। काम आज भी करना है, कल भी करना है, ठीक है। मेहंदी का क्या है, मेहंदी तो लगती जाती है। वही तो, इसमें कोई कुछ थोड़ी ना है यार, अपना काम कर रहे हैं बस। उसने खा दिया, अब नहीं खाएगी वो। पानी का कहने, उसे खिला दो थोड़ा, पानी का कहने ले जाना। ठीक है, लेके आ रहा हूँ। तो आज दरअसल माँ पापा इधर उधर जा रखे ना, तो आज बिपना को मुझे पूरा काम सिखाना है कैसे किया जाता है। और बिपना को अभी जस्ट कुछ और चीज़ें सिखाई जा रही है, जैसे कि प्रेशर कुकर पे पुथिया लगाना। तो ये दरअसल प्रेशर कुकर हो गया, चूल्हे में जो बर्तन होते हैं वो जल्दी दरअसल काले पड़ जाते हैं और धुलते भी ठीक से नहीं है ना, तो इस पे ज़रूरी है कि बाहर वो लगाया जाए। तो जो राख होती है, राख को पहले, राख ही राख रखो थोड़ी सी, यहाँ पे हम राख इकट्ठा करके रखते हैं ना, तो इसमें पानी डालो। हाँ थोड़ा पानी डालो, इतना सारा नहीं, थोड़ा सा राख थोड़ी सी रखो, पानी डालो। हाँ बस, ज़्यादा मत करो, बस 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 इतना ही बस। वो लकड़ी हटा दो उससे, हाँ इसको गोली बस, ठीक है बहुत है उतनी। प्रेशर कुकर पकड़ो ऐसे में, ऐसे में पकड़ो, चलो पकड़ो, करो घिसो उसे। हाँ आना चाहिए, सीखना चाहिए ना बच्चे। हाँ ऐसे पूरे उस पर रगड़ना है, ठीक है, सीखना चाहिए यार, काम सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं हो रहा है, वो हो रहा है, सूखने के बाद लगेगा वो ऐसे, ठीक है। तो इससे आसानी ना बर्तन धोने में हो जाती है, मतलब हाँ ये जो कोने कोने बचे हैं, जैसे ये वाला कोना है, इस वाले कोने में लगाओ, ठीक है। बस बस हो गया, अब नीचे हाथ को नीचे मलो, नीचे वाली साइड। हाँ ये अच्छा लग रहा है ना, ये करने में मज़ा आता दरअसल। नीचे वाली साइड रगड़ो उसे तो पुथिया भी लगा दिया भाई, ये अच्छे से लग तो गया है, बस हो गया हो गया। बस अब चूल्हे में रखो, अब इसे गर्म होने दो। हो गया, वो लग गया उस पर पूरा, बस ऐसे ही लगता है। अब देखो छोड़ दो उसे, छोड़ो बस। ये देखो दोस्तों, पुथिया भी लगा दिया ना। चूल्हे के बर्तन पे हमेशा ये लगा के रखना चाहिए, क्योंकि इससे ना काले नहीं होते बर्तन, आसानी से धुल जाते हैं दरअसल। एक मिनट का काम, और एक मिनट आपका बहुत हेल्प कर सकता है। क्यों बिपना, आज हम तुमको अच्छे से काम सिखाएंगे। आज ना तो माँ है ना पापा है ना यहाँ पे, तो कोई चिल्लाने वाला है नहीं, ठीक है। तो आज हम इसका पूरा फायदा उठाएंगे। शाम को डंडे भी बच सकते हैं, अगर सारी वीडियोस पापा ने देखा कि मैं ही काम कर रही। अच्छा वो देखो सूखना, देखो कैसे सूख रहा, पता चला। अगर धोते बारे अच्छे से नहीं गया ना, तुम्हारे को भिजवाऊंगा। यार इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, इसमें भी दोस्तों कोई बड़ी चीज नहीं है। क्यों बिपना,
कि तुम्हें काम काम सिखा रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी चीज है? हाँ, इसमें भी कोई बोलने वाली चीज नहीं है, बचने के लिए बोलता। हाथों की मेहंदी सूखी है, ये वो चीज है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। हो गया ना, देखो प्रेशर कुकर में पूरा पुत्तिया लग गया। देखो हो गया, इसमें हम अब आलू काट के आलू का अचार तुम बनाएंगे। क्या बना रहे हो आज? अचार खाने का मन। अच्छा, अचार भी बनाना है, ठीक है बनाओ। अच्छा है, होना चाहिए लाइफ में थोड़ा बहुत। जब तक सब्जी काटूंगे ना तब तक आलू पक जाएंगे। ठीक है, डन। सुबह सुबह ना पापा और मम्मी जा रखे थे दरअसल बाजार, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आज पूरे दिन भर ऐसा लगा कि बोरियत आ गई। और पापा अपने हर चीज को इतना संभाल के रखते हैं ना, इतना संभाल के रखते हैं, जैसे जूते फटाक से उस आलमारी में डाल दिए, बिल्कुल उस पर मतलब धूल नहीं लगनी चाहिए, और अभी ही साफ करके रख दिए होंगे। माँ और पापा के बिना बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा था ना, है ना, ऐसा लग रहा था जैसे घर पे कोई है ही नहीं। तो स्वेटर भी पहनो, हाँ ठंड, क्योंकि अब ठंड बढ़ने लगी है ना, और कोशिश ये करो कि कोट पहन लो मेरा वाला, ठीक है, इसके बाहर से, ठीक है ठीक है। और जैकेट पहनता हूँ वाला, ठीक है, मोटी नहीं, वो स्वेटर भी पहना, जैकेट भी पहनो, चलो जल्दी से जल्दी से। खाना वगैरह बनाया था ना, तो अभी तक हमने खाया नहीं है, हम दरअसल इंतजार ही कर रहे थे मम्मी पापा के आने का, और अब मम्मी पापा भी आ चुके हैं, तो अब जल्दी से खाना खाते हैं, ठंडा हो गया होगा, क्योंकि जुकाम भी लग रहा है। जुकाम लगने के साथ में थोड़ा सा चावल ठंडे नहीं खाने चाहिए। और केसू देखो, जैसे ही मम्मी आई ना, वो तब से बैठा हुआ था, उसने मुझे एक बारी भी नहीं बोला। उसका कटोरा कहाँ चले गया? पानी मांगू क्या शायद? और बिपना देखो, तुम्हारे लिए क्या लेके आए पापा, क्या लेके आए? लाए, अरे गजब, तुम्हारे लिए चौमिन आ रखी है। ये गलत चीज है ना, नहीं लाना चाहिए दरअसल। ये देखो चौमिन आ गई है तुम्हारे लिए, पता है मुझे। ये हमारी तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए, पापा ने लाया है। और मंगलसूत्र बाहर करो, चलो जल्दी, इतना बड़ा ये क्या? वो बाहर दिखाओ मंगलसूत्र, क्या है ये अंदर? मेरे बाल देखो उड़ गए सारे। कोई बात नहीं, हमें टकली पत्नी भी चलेगी। चलो खाना रखो, ये लो पकड़ो तुम, ये सॉस भी रखा है देखो, चाट सॉस रखा है देखो। और अभी के टाइम पर ये देखो भाई, अपने आज मैंने शेविंग करी ना, शेविंग करने के बाद मैं जवान दिखता हूँ यार, ये बात तो माननी पड़ेगी। और माँ भी बिल्कुल आजकल नेपाली माला पहनने के बाद में, मैं एक बार अपन सोना दांत दिखा। अरे यार दोस्तों, यार लगाऊंगा मैं सोने का दांत मम्मी को, बहुत जल्दी लगाऊंगी, जैसे ये खत्म होने थे दांत। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सोने का दांत लगाएंगे तेरा, ठीक है, क्या कह रही हो? ठीक है, ठीक है ना, ओके डन। और ये चौमीन लानी नहीं चाहिए थी वैसे, और मेरे केसु को ऐसे लगता है कि उसे कोई अब पूछ ही नहीं रहा है। हाँ केसु, क्या हुआ बच्चे, पूछ नहीं रहा कोई है? और मुझे ये था कि जल्दी से खाना खाते हैं, क्योंकि मुझे भूख लगी है। बिपना ने मुझे खाने नहीं दिया, बोला मम्मी और पापा हमारा इंतज़ार करते हैं, और जो हम खाना खाएंगे उनके साथ ही खाएंगे, इसलिए अभी तक भूखे हैं। और टाइम देखो 3 बज चुके हैं। और ये दरअसल मैंने दिए थे बिपना को कुछ कपड़े खरीद के, बहुत पहले के है ना, नीचे गिर के, वही तो है। अच्छा मेरे वाले कहाँ हैं? अच्छा ये मेरे दिए ना, हाँ वही मैं सोचूं, कुछ तो यूनिक दिख रहा है। तो ये नेपाल में खरीदे थे वो वाले हैं क्या? अरे भाई साहब, नेपाल में खरीदे थे ये कपड़े, इस कपड़े को खरीदने में मेरी हालत खराब हो गई थी भाई। कितने रुपए दिए उन्हें? लगभग कितने दिए थे? 3,500-4,000 रुपए दिए थे ना वहाँ पे, कितना है ना, हाँ 3,800 या 4,000 रुपए दिए थे इस सूट के नेपाल में, मतलब 4,000 के हिसाब से लगा लो कितने रुपए हो रहे हैं, मतलब इंडिया के मुझे लग रहा है 2,500 रुपए के से भी ज़्यादा हो रहे हैं भाई इस सूट के दिए थे वहाँ पे। और सेम कपड़ा वगैरह ये सब चीज़ें मुझे लगता है इंडिया में ना काफ़ी सस्ता मिलता, इस पे अंदर वो भी है ना, पर वो तो ख़राब हो जाता जल्दी। कक्ष बढ़िया यार, यक इंडिया ही बटे जान दो कपड़ा, कपड़ा इंडिया बटे जान दो के। जो नेपाली जो प्योर कपड़े क्या थे वो बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे, तो जो नेपाली एक्चुअल में कपड़ा होता है वो दरअसल बहुत महंगा मिलता है ना, और ज़्यादातर जो कपड़ा एक्सपोर्ट होता है वो इंडिया से ही जाता है आई थिंक, जो मुझे लगा है, अब उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं कि कहाँ से जाता है। पर मैं कह रहा हूँ जो मतलब वहाँ पर जितने मैंने मतलब एक सूट के पैसे दिए ना,
उतने में मुझे लगता सेम क्वालिटी के कपड़े इंडिया में लगभग नहीं भी आते, तो कितने आ जाएंगे थे, 4,000 मतलब 2,500 के रुपए के हिसाब से 3 या 4 जोड़ी आ जानी थी, 4 जोड़ी तो आ ही जानी थी मतलब। और केसू को पापा ने दिखाया इधर से और वो भी आ गया खाने के लिए, वो भी समझ गया। ये देखो वो मुंह नहीं मारेगा, बस ठीक है, बस केसू हो गया। ये देखो तुम्हारी दोस्त बैठी हो 3 लगातार लाइन से, चाउमीन का ही इंतजार कर रही थी वो तब से। चलो रखो खाना, किस चीज़ का इंतजार है, चाउमीन अभी नहीं खाना, पहले खाना खाओ और तब जो पेट में जगह बचेगी तब चाउमीन खाना, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ, पहले खाना खाओ फिर जो पेट में जगह बचेगी तब चाउमीन खानी है। पापा यार तुम्हें बिगाड़ा नहीं थे, बिगड़ी चो ज्यादा अटर सटर पटर खानी चो। हाँ तो सुबह में एक माँ फोन ही चाहिए कुछ नहीं खिलाया मैं तो बहरा। हाँ भीतर का खाओ बस सर। अच्छा चलो मक्खियाँ देखो कैसे भर गई कमरे में, तो जल्दी से खाना खाते हैं हम लोग। आज बना है दाल चावल, सब्जी वाली वो बनी है अलग से और साथ में नेपाली अचार बना है, तो जल्दी से खाते हैं। थोड़ी देर पहले खाना खाया था, थोड़ी देर पहले क्या, दरअसल शाम के टाइम पर लगभग 3:30 बजे के टाइम पे, और यहाँ पर अच्छा बनाई है, अच्छा मुझे नहीं बनाना यहाँ पे। अच्छा तो यहाँ पर दरअसल अभी के टाइम पर दाल कुटाई वगैरह ये सब चीज़ें चल रही है ना, अच्छा है होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, क्यों। हाँ तो ये घर की दाल बनाई जा रही है, और विपना भी अब काम सीख रही है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा अच्छा खूब से बुआरी काम काज की। हाँ अच्छा बढ़िया बढ़िया ठीक है, दादी जी भी मेरी तारीफ करनी चाहिए। तो इस वाली दादी की बात हो रही, दरअसल इस दादी ने आज तारीफ करके पंख लगा दिए देखो है। पंख लगाना अच्छी बात नहीं है, उड़ गई तो है उड़ा, मैं नहीं उड़ना चाह, को उड़ना चाह, ठीक है बढ़िया बढ़िया। थोड़ा बात होना चाहिए, गढ़वाली सीखेंगे, मुझे नेपाली तो मुझे सिखा नहीं रही है, लेकिन मैं गढ़वाली ही सिखा देता हूँ, वही इससे अच्छा नहीं है, कम से कम कुछ तो समझ में आएगा। और ये दाल की फटकाई चल रही है, यानी कि भूसा अलग और दाल यहाँ पर अलग करी जा रही है पूरी की। और ये देखो दोनों भाई आ चुके हैं घास लेके, वो भी सर पे रख के लेके आ रहे हैं, बढ़िया होना चाहिए थोड़ा बहुत। वंशी और रोहन दोनों के दोनों आ रहे हैं ना, देखो देखो हाँ, तो तुम्हारे दोनों देवर है, यही है बस, ठीक है इनके अलावा कोई देवर नहीं है। देखा एक अपने गाय के लिए एक मेरे गाय के लिए, उसकी गाय है ही नहीं दरअसल। अच्छा दोनों मेरे गाय के लिए, मैं अच्छी जी खिलाती हूँ मेरे देव। तुम्हारे दरअसल दो ही देवर हैं, ये छोटे छोटे, अरे एक भोलू भी है यार, तो भी छोटा ही है बच्चा ही है वो भी, बढ़िया। तो थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, घुमा के आता हूँ तुम्हें, ठीक है। ये और काका श्री बैठे हैं अपने डॉग कर साथ में श्यामू को लेके, बढ़िया झकास। हाँ वही तो, और चलते हैं थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, शाम वैसे थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा वैसे भी। तो भाई उत्तराखंड की बहू आज बना रही है खाना पीना, वो भी चूल्हे में एक बार फिर से, दिन के टाइम पर तो बनाया था मैंने, पूरा का पूरा सिखाया था कैसे बनाना क्या करना है। और यहाँ पे देखो धुआं रोली, कनस्तर से कुछ याद आ रहा है, कनस्तर से कनस्तर, देखो कनस्तर ऐसे लग रहा है जैसे कच्ची बन रही है उसमें है ना। तो अभी दरअसल आज थोड़ा बहुत खाना खुना बन रहा है, ये सब चीज़ें तैयारियां हो रही है, और हम भी लगे हैं थोड़ा बहुत हेल्प करने पे, थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और पापा भी लगे हैं। तो शाम के टाइम का खाना खुना बनेगा, थोड़ी देर में खाना खाएंगे और अब थोड़ा सा खाना बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि आज घर पर मेहमान आने वाले हैं
और मैं ये चाहता हूँ कि ये जल्दी से बने, जल्दी से उनको वेट ना करना पड़े, हम जल्दी से बिल्कुल सब कुछ रेडी करें और सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए मतलब, और बिल्कुल अच्छे से हो। तो अभी के टाइम पर अब खाने की तैयारी हो रही है। अरे विपना ने अपने साथ में दरअसल केसी को भी लेके आ गई है। देखो जहाँ विपना इस बारी जा रही है ना, वहीं केसी घूम रहा है, बोला चाउमीन खाने हैं, और चाउमीन दरअसल पापा और लेके आए थे विपना के लिए आज। तो जो भी है, वैसे खाने तो अलाउड नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। और साथ में मैं भी अब ऐसा करता हूँ, खाना खाता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करता है। सो खाना अपना कंप्लीट हो चुका है और अभी के टाइम पर अपनी फिर से जुकाम और बुखार खांसी फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगा है। और अपनी धर्म पत्नी ने मतलब जितने मेहमान आ रखे थे, बढ़िया से सबकी खातिरदारी करी, सबको खाना खुना खिलाया, बढ़िया। तो जो भी है, काफ़ी मज़ेदार रहा और दिन आज मतलब इसी तरीके से बीता कि मैंने आज विपना को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। जैसे कुछ नहीं, जैसे मतलब प्रेशर कुकर पे पोथा लगाना, गाय को बांधना, गाय को पानी पिलाना, घास कैसे लाते हैं, साथ में कलचोनी कैसे लेके जाते हैं, तो वो सब चीज़ें सिखाई ना। अच्छा लगा? हाँ। कोई इसमें शर्म लगी क्या? नहीं, शर्म किस बात की। हाँ तो यार वीडियो में बोलो, जो करे शर्म उसके फूटे करम। तो ये होता भाई जीवन साथी का मतलब। मेहमान बोल के याद है मुझे शगुन का लिफाफा दिया था नीचे, छूट गया किचन। मैंने तुम्हारे पर्स में रख दिया होता दरअसल। अच्छा। ला भी दिया। तो हो क्या रहा है कि मेहमान जो शादी में नहीं आ पाए या रिसेप्शन में नहीं आ पाए, तो जिनकी खातिरदारी हम नहीं कर पाए थे, फिर भी हम चाहते कि हमारी वजह से किसी की मतलब कमी ना हो किसी चीज की। शादी में तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ा, फिर भी एक आधे जो छूट गए, फिर भी हम इनवाइट कर रहे खाने के लिए, बुला रहे, खुद को भी अच्छा लग रहा है और हमारे से भी मिल रहे हैं, मतलब जो भी अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। और अभी ऐसे करते हैं, मेरा हाथ थक गया दरअसल, क्योंकि ये बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, तो अभी ऐसे करते हैं वीडियो को एंड करते हैं। राइट, तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं कुछ ऐसी यूनिक से वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।